हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को बड़े ही आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। और दोस्तों, इस स्क्रीन रिकॉर्डर में कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है और ये एकदम फ्री है, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस स्क्रीन रिकॉर्डर को मैं भी काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम ही है स्क्रीन रिकॉर्डर। ये आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको 4.2 की रेटिंग है और इसमें 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लूँगी। तो दोस्तों, ये इसका इंटरफेस ओपन हो करके आ गया है। अब आपको यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स शेयर कर देती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है टाइम डिले बिफोर रिकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 3 सेकेंड सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो उतने ही सेकेंड के बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पॉज रिकॉर्डिंग व्हेन द स्क्रीन ऑफ। तो अगर आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे, तो जब भी आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी, रिकॉर्डिंग वहाँ पर पॉज हो जाएगी। अब दोस्तों, इसमें आगे आपको और भी इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स मिलती हैं, जिनमें पहला है रिजोल्यूशन। तो आप अपने हिसाब से रिजोल्यूशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना हाई रिजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, आपकी वीडियो क्वालिटी उतनी ही अच्छे से रिकॉर्ड होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, ऑटो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको मिल जाती है बिट रेट। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से बिट रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 Mbps सेलेक्ट कर रखा है। तो आप जितना ज़्यादा हाई बिट रेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग मिल जाती है फ्रेम रेट, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS सेलेक्ट हो रखा है, आप चाहें तो इसको 90 FPS या 120 FPS तक लेकर के जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर 60 FPS, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है, वही रहने दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड ऑडियो का। तो आपको इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है, जिससे कि आपका ऑडियो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो बिट रेट का। तो दोस्तों, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 128 kbps सेलेक्ट हो रखा है, आप चाहें तो इसको 320 kbps तक लेकर के जा सकते हैं। आप जितना हाई बिट रेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑडियो उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने दे रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑडियो सोर्स का। तो आपको यहाँ पर माइक सेलेक्ट करके रखना है, जिससे कि आपका ऑडियो माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सो टचेस का। तो अगर आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे, तो रिकॉर्डिंग के टाइम आप जहाँ पर टच करेंगे, वहाँ पर शो होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ओवरले सेटिंग्स का। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग एजुकेशनल वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। इसमें आपको यहाँ पर बैनर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम टेक्स्ट वगैरह चाहे तो शो कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर एंड बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है शो कैमरा का। तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम चाहे तो फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना फेस भी शो कर सकते हैं, यानी कि फेस कैम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आपको इस ब्लू आइकन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।